नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविरल और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं नई नई टूरिस्ट से रिलेटेड जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर भारत से बहुत दूर दूर से लोग छुट्टियों का आनंद लेने आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश ही है। दोस्तों, राजधानी में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और पूरे भारत में ही बहुत से राज्यों में कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन द्वारा शायद दोबारा से पर्यटकों के लिए कोविड रिपोर्ट को अनिवार्य किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि जो लोग हिमाचल की तरफ आना चाहते हैं और उनके मन में अभी डाउट है कि क्या हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर सील तो नहीं हुए हैं, नाइट का कर्फ्यू तो नहीं है, या हमसे कोई कोविड की रिपोर्ट तो नहीं मांगी जा रही है, इस तरह की अफवाहों पर दोस्तों बिल्कुल भी ध्यान ना दें। किसी भी प्रकार की पर्यटकों के लिए कोविड रिपोर्ट अभी तक अनिवार्य प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। दोस्तों, DC शिमला का कहना है कि अगर राजधानी शिमला में हिमाचल प्रदेश में अगर कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो शायद पर्यटकों के लिए कोविड रिपोर्ट को अनिवार्य किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। चारों तरफ से पूरा हिमाचल प्रदेश पूर्णतः सुरक्षित है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियों का आनंद लेने शिमला या मनाली में आ सकते हैं। उपायुक्त शिमला का आदित्य नेगी जी का कहना है कि अगर राजधानी शिमला में दोबारा से कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं तो बाहर से आने वाले राज्यों से पर्यटकों के लिए कोविड रिपोर्ट को अनिवार्य किया जा सकता है, और वहीं दूसरी ओर फिलहाल नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी इस पर विचार चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी पाबंदी टूरिस्टों के लिए नहीं है। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ बेरोक टोक बॉर्डर से हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रशासन का कहना है मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। जी हाँ, जगह जगह पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं जो कि मास्क लगाने के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं या आप हिमाचल प्रदेश शिमला मनाली ही आ रहे हैं तो प्लीज़ मास्क जरूर पहने। घरों से होटलों से बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने के लिए कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन सरकार द्वारा लाई जाती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से तुरंत आपको बताऊंगा। दोस्तों, जिसके लिए आपको हमारा चैनल घूमो जी भर के सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप तक यह इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, पिछले कोरोना काल में गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी पर्यटकों को बॉर्डर से ही घर वापस भेज दिया गया था, जिसमें उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित या होटल से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर कॉल करके हमसे ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे शिमला और मनाली में खुद के अपने रिसॉर्ट और होटल हैं। जो भी लोग हमारे चैनल के थ्रू आ रहे हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, दोस्तों उनके लिए तो विशेष डिस्काउंट है ही। लेकिन इसके अलावा कोई भी हमारे होटल्स पर बुकिंग चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट रेट पर हम आपको आपकी रिसीट रिजर्व, आपका कमरा रिजर्व तुरंत कराएंगे। दोस्तों, इसके अलावा होटलों में कोविड के नियमों का भरपूर तरीके से पालन किया जा रहा है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए होटलों में राज्य सरकार द्वारा जारी SOP का पूरा पालन किया जा रहा है। होटल के कमरों को नियमित रूप से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वहीं होटल में आने वाले सैलानियों को भी नियमों के पालन के प्रति
जागरूक भी किया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली बड़ी खबर के साथ। अगर कोई भी टूरिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक आती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत आपके सामने लेकर आएंगे। मेरा आपसे दोबारा से निवेदन है कि जो लोग चैनल पर नए हैं और वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, वो चैनल को प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दें, हो सकता है यह वीडियो किसी के काम आ सके। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।